90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे भजोहरी महतोब से। आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी के मतवाले राहियों की प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, नई अनुभूतियों का अमृत। मानभूम जिला आजादी के आंदोलन का एक जीवंत और महत्वपूर्ण केंद्र था। आंदोलन को चलाने वाले अनेक मतवाले राहियों में एक प्रमुख राही थे भजोहरी महतो। आज के बंगाल पुरुलिया जिले में और पूर्व में बंदमान के करीब जितान गांव भजोहरी की पावन जन्मभूमि है। जहां की माटी, वहां बहने वाली हवा सब उनकी शौर्य वीरता का मानो बयां हमेशा करती रही है। संघर्षशील व्यक्तित्व, ईमानदार, कर्मनिष्ठ, बुलंद हौसले से पूर्ण भजोहरी ने अपने गांव की युवा पीढ़ी को आजादी के आंदोलन से जोड़ने के लिए एक नायाब तरीका निकाला, अनूठी पहल की, छौर नृत्य की मजबूत टीम बनाई और इस नृत्य के माध्यम से विभिन्न प्रेरणादायी कथाओं को आधार बनाकर योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को आंदोलन के साथ जोड़ना शुरू किया। छौ नृत्य की प्रस्तुति हेतु, तैयारी हेतु लगातार बैठकें बुलाई जाती थी। फिरंगियों की आंखों में धूल झोंककर आंदोलन की रणनीति बैठकों में बनाई जाती। पर कुछ दिनों के बाद अंग्रेज अधिकारी सारी बातें जान गए और उन्होंने भजोहरी को छौ नृत्य बंद करने का हुक्म दिया। पर यह हुक्म बेअसर रहा। अंग्रेजों ने पूरी टीम पर धारा 107 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में पुरुलिया कोर्ट में सबको जमानत मिल गई। छौ नृत्य के अभ्यास के दौरान ब्रिटिश सैनिक के चौकीदारों ने अशोभन अनैतिक हरकतें की, परिणाम स्वरूप उनकी पिटाई हुई और भजोहरी के साथ उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने की जेल और 30 रुपये का आर्थिक दंड उन्हें मिला। 1949 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी ये शामिल हुए। पुटमदा गांव में सत्याग्रही के रूप में सक्रिय भजोहरी को उनके साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भजोहरी ने उग्र आंदोलन कर भाग लिया। एक योजना बनी। 1 अक्टूबर 1942 की रात को मानभूम जिले के सभी थानों को एक साथ उड़ाने की, पुलिस कर्मियों को बंदी बनाने की, सभी रिकॉर्ड्स को स्वाहा करने की, पुरुलिया स्थित मानभूम मुख्यालय पर कब्जा करने की, बिजली, रेल, तार लाइनें काटने की, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी एकत्र हुए। योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। पोस्को नदी पर बने पुल को उड़ा दिया गया। आधी रात को वंदे मातरम के नारे लगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंदमान थाना पर हमला किया गया। आग के हवाले थानों को किया गया। कुछ पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया, कुछ भाग गए। मान बाजार थाने में भी तिरंगा लहरा दिया गया। बाद में गांव गांव में लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। मांझीपाड़ा आश्रम में छुपकर रहने के कुछ दिनों के बाद भजोहरी अपने गांव जितान चले गए, जहां सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया। जेल की लंबी सजा हुई। आजादी के आंदोलन को गति देने वाले, बल देने वाले इस संघर्षशील क्रियाशील व्यक्तित्व को हम सदा स्मरण करते हैं। देश प्रेम का नशा पान करने वाले इन आजादी के मतवाले राहियों के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके जीवन का संदेश रहा है, हर कामयाबी में तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, डट कर सामना करना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा होगा।
डॉक्टर कमल कुमार बोस की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे। हमारा नंबर है 9472786904। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।